कि बाबो हिंदवा पीर कहायो रूणी चा नगर बसायो, कोई ऊंचो ना कोई नीचो सब भेदभाव ने मिटायो। और एक बार जरा सीधे सीधे हाथ जितने लोग बाबा के भगत यहाँ बैठे हैं कि चोखी घड़िया में आए गयो, चोखी घड़िया में आए गयो, तंदूरे रतार बजाए गयो, ये तंदूरे रतार बजाए गयो, बाबो कड़ा की लंगी धारी, वो बाबो कड़ा की लंगी धारी, नीले घोड़े की असवारी, नीले घोड़े की असवारी, कलयुग में हिंदवा पीर कहायो रूणी छे नगर बसायो, बाबो हिंदवा पीर कहायो रूणी छा नगर बसायो। बाबा रामदेव जी की इच्छा थी कि कोई एक ऐसा गांव में बसाऊं जिस गांव के अंदर न तो कोई ऊंची जाति का हो और न कोई नीची जाति का हो, मानव धर्म एक समान। और उसी उद्देश्य से बाबा पोखरण छोड़कर आए और रूणीचा की उन्होंने स्थापना की के बाबू हिंदवा पीर कहायो रूणी छे नगर बसायो, बाबू हिंदवा पीर कहायो रूणी छे नगर बसायो, के कोई ऊंचो ना कोई नीचो सब भेदभाव ने मिटायो, कोई ऊंचो ना कोई नीचो सब भेदभाव ने मिटायो, चोखी घड़िया में आए गयो, चोखी घड़िया में आए गयो, तंदूरे रतार बजाए गयो, तंदूरे रतार बजाए गयो, बाबो कड़ा की लंगी धारी, बाबो कड़ा की लंगी धारी, नीले घोड़े की असवारी, नीले घोड़े की असवारी, के कलयुग में बाबो पगलिया पुजवाए गयो, पुजवाए गयो केसरिया रोशनी।